जिस तरह का षड्यंत्र रचाया जाता है, साधु को फंसाया जाता है, प्लानिंग करके साधु के पास भेज दिया जाता है। देखिए, भारतीय संस्कृति को बदनाम करने के लिए सुनियोजित तरीके से कोई अंतर्राष्ट्रीय गुरु, जिसमें हमारे भारतीय भी मिले हुए, उसका एक यही कारण है कि एक अंदर जो मतलब जिस तरह से जो हमारे न्यायालय में भी लोग बैठे हैं वो मतलब पारदर्शी धक्कम रखते हैं। आसाराम अब तक बंद है, बाकी लोग मतलब बाहर आ जाते हैं और करते हैं, तो ये अन्याय नहीं होना चाहिए। ये हमारी धर्म और व्यक्तिगत राग द्वेष जिससे आप बोल सकते हैं ना, लेकिन आसाराम में तो अभी वो भी चीज़ नहीं है, दोषी साबित नहीं हुआ, उसके बावजूद भी आप उसको जमानत ही नहीं हो रही है। तो ये कहीं हमारी धर्म और संस्कृति को ठेस पहुँचाने का एक षड्यंत्र है, कुल चक्र चाल है, और जिसमें हमारे भारतीय लोग भी मिले हुए हैं। नहीं हो रहा है ना भाई, प्लान से हो रहा है ना, क्या करो, हमारा मीडिया भी तो उसमें शामिल है। तो पैड मीडिया जिसको आप बोलते हैं, फॉरेन फंड है, तो वो मतलब उसी, अब हमारे बहुत सारे लोग हैं ना है? तो ये सब इसी तरह से हमारी धर्म और विकृति, धर्म को विकृत करने के लिए जिस तरह का षड्यंत्र रचाया जाता है, साधु को फंसाया जाता है, प्लानिंग करके साधु के पास भेज दिया जाता है, मतलब इस तरह के। जैसे हमारी सेना में बहुत सारे जैसे पाकिस्तानी सुंदरियां करके और जासूसी करती के नहीं करती, उसी तरह संतों को तो अब हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें इस बात के लिए वो कहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को विशेष करके साधुओं को बड़ा आगे का जीवन बड़ा संकटमय है। कब कोई कैसी स्थिति आ जाए, कब कोई महिला यही कह दे कि मुझे घूर रहा था, और घूरने में ही साहब ये गलत दृष्टि से घूर रहा था, कानून और केस बन गया, जो विरोधी लोग हैं वो, और वो ये बातें हो सकती है किसी भी तरह से। तो इस तरह से ये जो मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसी भी है ना, बहुत मायनों में मतलब इन केसों को मतलब पारदर्शिता, पहले इनकी जांच होनी चाहिए। आप ये नहीं कि किसी ने कहा और तुरंत उनको बिना सुने हुए आपको, ये तो एक अन्याय, एक क्रूरता है। आप उनकी आपने बोला कि द्वेष बुद्धि से ये तमाम बस वो मतलब बहुत सारे ना, ये जो हमारे जो कम्युनिस्टी लोग हैं और जो इस तरह के सोच वाले हैं, जो धर्म को नहीं मानते, धर्म को अफीम की तरह मानते, धर्म और संस्कृति को एक ढोंग और पाखंड और छलावा मानते, और हम धर्म और संस्कृति के हमारा जो समाज बना है, हमारा जो समाज शास्त्र है, जो हमारे कोई भी समाज चलता है वो एक नियम के अनुसार चलता है, और नियम से अगर हम विरुद्ध जाते हैं तो समाज में अराजकता फैल जाती है, समाज छिन्न भिन्न हो जाता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो जाती है। ऐसे में सामाजिक नियम है, उन नियमों का पालन करना चाहिए। उसी तरह कानून का भी एक है, उसका पालन करना चाहिए। अगर कोई इस तरह की घटना भी आती है तो उसकी पारदर्शिता के अनुसार उसकी मतलब पूरी यानी कि जांच पड़ताल होनी चाहिए, उसके बाद आप दोषी को दोषी दे सकते हैं। बिना दोष दिए ही आसाराम की तरह 9 साल तक जेल में ठोल दो उसे।